क्या चाहते हो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? इससे पहले तुमने मेरे पापा से पैसे लिए हमारे घर वाले के, मैं साथ रहने के, उसके बाद तुमने मुझसे पैसे लिए। क्यों समझा रहा हूं मैं तुम्हें ये सब, किस लिए? क्या मोल है तुम्हारा, क्या मोल है इन बातों का? तुम्हारी नजरों में कोई मोल नहीं है। कल तक तुम मेरे साथ थी, आज तुम शेख के साथ हो। थकते नहीं है क्या बार बार मेरे पीछे आने से? और ये बातें आप किसे सुना रहे हो, खुद को या मुझको? ये सब आप मेरा दिल जलाने के लिए कह रहे हैं या खुद का दिल जलाने के लिए? आप तो मेरी सच्चाई जानते हैं ना, आपके लिए तो मैं आपके लायक ही नहीं हूँ। फिर आपको क्यों फर्क पड़ता है कि मैं शेख के साथ मजबूरी से हूँ या अपनी मर्जी से, एहसास के लिए हूँ या की वजह से? अकेले तो मैं बस एक सोना घाची की लड़की, मैं और मुझ में क्या फर्क हुआ? आप भी शेख के साथ पैसों के लिए हैं और मैं भी शेख के साथ पैसों के लिए ही हूँ। अभी क्या हो रहा है यहाँ, क्या बात चल रही है? I'm sure कि तुम इन्हें बिजनेस ट्रिक सिखा दी होगी, क्योंकि तुमसे अच्छा बिजनेस डील तो कोई और कर ही नहीं सकता है, राइट? तो अगर बिजनेस कैसे करते हैं ये तुमने अगर सिखा दिया है इन्हें, तो यहाँ क्यों खुली इनकी आँखें? अभी तुम ठीक हो? अबीर ने उठाए नीरजा के चरित्र पर सवाल। नीरजा और अबीर के बीच आई तृषा। जी हाँ, शो नीरजा के ऑनसेट से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नई अपडेट, जहां अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से जहां नीरजा और अबीर के बीच होंगी काफी टेंशन भरी बातें। जी हाँ, यहाँ नीरजा अबीर पर सवाल खड़े करते हुए नजर आएगी कि उसने शेख के साथ बिजनेस करने से पहले ये भी नहीं देखा कि आखिरकार शेख किस तरीके का काम करता है, वो किस तरह का इंसान है। जी हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि अबीर भी नीरजा पर भड़कता हुआ नजर आता है और कहता है कि कल तक तो वो उसके साथ थी और आज शेख के साथ है। जहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से अबीर और नीरजा के बीच काफी गलतफहमी आ चुकी है, तो वहीं तृषा भी अब आ चुकी है नीरजा और अबीर के बीच। वाली यहाँ हम देखते हैं कि तृषा देती है वार्निंग नीरजा को अबीर से दूर रहने की, जहाँ तृषा के सामने नीरजा भी ये कहती हुई नजर आती है कि अब वो नहीं आएगी तृषा और अबीर के बीच। वाली इस अपकमिंग ट्रैक को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शो से जुड़ी हुई इसी तरह की ढेर सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।